गोल्ड ब्लडर में स्टोन का पता चला था नवंबर में, नवंबर 2013। उसके बाद पेन होता था हल्का फुल्का। कितने स्टोन्स थे, बड़े स्टोन थे, छोटे स्टोन थे? 14 mm के स्टोन थे। उसके बॉटन है। अभी तो जब बाद हमने निकाला बहुत स्टोन निकले, बड़ा स्टोन भी निकला, छोटे भी बहुत से स्टोन जी निकले, पूरे 5 mm, 3 mm, अभी देखा है आपने जैसे। जी तो मैंने उस समय ऑपरेशन कराना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं करा पाया। कुछ उसमें ऐसा रीजन ही था कि बाद में करा लेंगे। ये मार्च में बहुत सीवियर पेन हुआ। नहीं तो जब स्टोन डिटेक्ट हुए तब क्या दिक्कत होती थी, प्रॉब्लम क्या फील होती थी, गैस होता था, क्या होता हाँ, था? गैस बहुत ज्यादा होते थे। इसमें सीवियर पेन हुआ था 2 मार्च को, तो उसी समय मैं एडमिट हुआ था। तो तब आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने गए थे हाँ, कि? गॉल ब्लडर का ऑपरेशन ही कराने गए थे, लेकिन जब वहाँ एडमिट होने के बाद पता चला कि पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो गया है। पैंक्रियाज कैसे हो गया, क्या बताया उन्होंने कि पैंक्रियाज क्यों हुआ है? उन्होंने बताया कि खान पान सही नहीं रहा और इग्नोरेंस के वजह से। ये भी बताया होगा शायद कि गॉल ब्लैडर स्टोन ही नीचे पास हो गया जिसके कारण पैंक्रियाटाइटिस हाँ, होता ये है। भी बोल रहे थे। खान पान की वजह से नॉर्मली पैंक्रियाटाइटिस उनमें होता है जो बहुत ज्यादा अल्कोहल बताया था लेते कि हैं। आपका तो कोई खान पीन ऐसा है नहीं कि जिसके अंदर वो अल्कोहल या गॉल ऐसी कोई। ब्लैडर के बताया स्टोन था से कि ही गॉल बताया ब्लैडर गया। में स्टोन होने के कारण उसी कारण वो इंक्रीज किया है। जी, 15 से 20 दिन एम्स में थे ये। 15 से 20 दिन दाखिल रहना जी पड़ा जी था। एम्स ओके, 20 दिन एडमिट थे सर, क्योंकि आईसीयू में तो पैंक्रियाटिक नहीं दाखिल होना पड़ा था ना, कुछ मैंने उसमें? आईसीयू इमरजेंसी में में ले गया था। इनिशियल स्टेज में जो हॉस्पिटल स्कोप हॉस्पिटल में गया था तो वो आईसीयू में शिफ्ट करना चाहता, बट हम लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोगों को एम्स में जाना है ओके। क्योंकि वहाँ पे कुछ बेटर ट्रीटमेंट होगा रेदर देन इसके। ठीक, इसलिए हम तो लोग फिर एम्स में गए। एम्स के बाद कुछ रिलीफ हुआ, पैनक्रियाटिक स्लो डाउन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज किया कि जाओ नॉर्मल प्रोटीन डाइट वगैरह दो आप, उसके बाद जब तक वो पैनक्रियाज आफ्टर नॉर्मल नहीं सिक्स्थ होगा वीक उसके बाद। हाँ जी, आफ्टर 6 वीक बोले कि अच्छा, क्योंकि वो स्वेलिंग इतनी ज्यादा थी हाँ कि जी उन्होंने कहा जी कि अभी ऑपरेशन नहीं हो ऑपरेशन पाएगा। अभी हो ही नहीं तो सकता है। फाइनली जो अभी ऑपरेशन अब आपने कराया, कितने दिन लगे आपको ठीक होने में? ऑपरेशन कल हुआ है, आज ठीक लग रहा हूँ। बिल्कुल, नोवा तो फैसिलिटी में आने से नोवा ही उसका फैसिलिटी क्या देन है। जी, तो वही बात है कि जो एक दिन का काम था उसके लिए आपने 8 महीने 9 महीने 8 महीने सफर मैंने किए हैं। वेस्ट किया 9 महीने और का सारा वो सफरिंग हुआ पेन से चाहे। सफरिंग प्रॉब्लम प्लस जॉब से, ये तकरीबन 6 महीने से जॉब से जॉबलेस में बैठे हुए हैं, तो वो ओके। सारी मतलब फाइनेंशियली मेंटली हरास हुआ आदमी। तो ये एक सिंपल बीमारी इग्नोर करने से इतना ज़्यादा भी यस सर, परेशान हो यस जाता सर, है। यस ऐसे भी हैं हमारे पास पेशेंट जो एक एक महीना दो दो महीने दाखिल रहे हैं हॉस्पिटल में। जी देखो, पैंक्रियाज के अंदर एक बार बीमारी शुरू होती है तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू ट्रीट। तो प्रेजेंट पेन था या प्रेजेंट सारा कुछ था स्टोन के कारण था, क्योंकि एक स्टोन जाके नेक के ऊपर जाके फिर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। अगर वो फिर से नीचे जाता तो फिर पैंक्रियाज बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता।